बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन विद एलमट। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने हाफ के जी जो है वो चिकन लिया और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में जो है, ये देखें क्यूब्स जो है 1 इंच के जो है वो इस तरह से मैंने कर लिए। और इसमें सोया सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा, और 1 टीस्पून जो है वो मैं लूँगी ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक लूँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें रखा है, लेकिन इसमें से मैं जब डालूँगी तो 1 टीस्पून डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सोया सॉस, फिर जनाब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसमें एक जो है मिक्स करने के बाद एक एग जो है वो इसमें डालेंगे हम। अब इसमें जो है एग वाइट इस्तेमाल करेंगे हम, पूरा एग नहीं डालेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाला, इसको भी जो है ये अच्छा सा हम जो है इसको मिक्स करेंगे। साथ में जो है हम क्या करेंगे कि ये पहला स्टेप हमारा हुआ कंप्लीट, अब हम जो है आएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। अब जो है वो दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। ये सबसे पहले जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया गार्लिक, इसको मैंने ये देखें रफली सा मैंने जो है ये चॉप किया। ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट वही है जो मैंने आपको जो है ना बताया था कि मैं आधा डालूंगी आधा रखूंगी। 1 कप चुके करीब जो है वो हमने कैरेट्स ली और इसको इस तरह से जो है वो हमने काट लिया। ठीक है, ये देखें इसी तरह जो है क्यूब्स की शक्ल में जो है ये देखें हमने प्याज जो है वो कर लिया है, प्याज को कट किया और उसको अलग कर लिया है। शिमला मिर्च भी इसी तरह से हमने क्यूब्स की शक्ल में ये देखें कट की। और ये देखें ये 2 टेबल स्पून मैंने जो है ये कॉर्नफ्लोर लिया, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने ये सिरका लिया, और मैंने जो है वो 2 कप जो है वो मैंने यखनी के लिए, अगर आपके पास यखनी नहीं, ये यखनी है, अगर आपके पास यखनी नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसमें सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन ये देखें 2 टेबल स्पून से 2.5 टेबल स्पून तक जो है मैंने वो ऑयल लिया। इसमें जो है गार्लिक डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम तेज़ किया मैंने क्योंकि आप जितनी भी जो है चाइनीज़ कुकिंग जितनी भी होती है वो फुल फ्लेम पे होती है। इसको बस इतना करेंगे, ये देखें ये पकना शुरू हो गया, इसको बस हमने इतना सा करना है कि ये अच्छा सा जो है ना इसमें स्टीम बननी शुरू हो जाए, ये पकना शुरू हो जाए, ये हल्का सा बस ये इसको इतना ही जो है वो हमने सौते करना है। साथ में जो है अब इस स्टेज पे चिकन डाल देंगे। और इसको जो है अच्छा सा जो है इसको हम कुक करेंगे, ज़रा इसमें स्टीम पैदा हो जाए। ये देखें ये हमने इसको अच्छा सा जो है फ्राई कर लिया। आपने कॉर्नफ्लोर जो है वो ज़्यादा नहीं डालना वरना वो नीचे चिपक जाएगा, उसके लिए फिर हमें अलग से जो है इसको फ्राई करना पड़ेगा। साथ में डाली कैरेट्स, साथ में डाली शिमला मिर्च, साथ में डाली अनियन। अब इसको बस जस्ट हमने 1 से 2 मिनट जो है बस ये हल्का सा जो है इसको स्टीम देनी है, हल्की सी कि ये गर्म हो, और साथ में जो है इसके हम डाल देंगे यखनी। साथ में जो है अब डाल देंगे ब्लैक पेपर और हल्का सा सॉल्ट, और साथ में डालेंगे यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इसको हमने इसमें स्टीम आने तक जो है बस इसको जो है वो रखेंगे, और साथ में जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल के इसको जो है गाढ़ा करेंगे। इसको हमने कुक नहीं करना ज़्यादा वरना ये अपना कलर खो देगा। ये देखें जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो साथ ही हम जो है इसमें ये कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखनी है। थिकनेस भी जो है इसकी ये आपने अपने हिसाब से रखनी है। इसको अच्छा सा जो है वो हम करेंगे मिक्स। ये देखें ये इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया, और अब जो है इसकी थिकनेस देखें।
इसको आपने पतला रखना है तो पतला रखें, लेकिन जो बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल में और जो हम खाते हैं वो इस तरह से जो है ना परफेक्ट है। फ्लेम किया ऑफ और अब इसको जो है डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तमाम वेजिटेबल जो है वो खड़ी खड़ी, प्याज, कैरेट और सारा कुछ जो है जबरदस्त सी खुशबू और चाइनीज की जो है वाह मज़े मज़े से जो है ये सर्दियाँ इंजॉय करें, मज़े मज़े के जो है वो खाने बनाएं। हमें भी जो है दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये देखिए इसको जो है अब इसकी गार्निशिंग करेंगे, और इसके लिए मैंने जो है ये देखें मैंने होममेड जो है ये मैंने फ्राई किए हैं एलमंड। आप चाहें तो बाज़ार के भी ले सकते हैं, लेकिन घर के जो है ना ये मैंने किए हुए हैं, और इसको गोल्डन सा करना है, हमने जलाना नहीं है। और अब इसको गार्निश के तौर पे हम इस तरह से जो है वो करेंगे। ये आपकी अपनी पसंद पे है, आप थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेट तू भी आ जा। बहुत ही गरम 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 ही मेरे मुंह में चला गया, लेकिन बहुत ही मजे का। नहीं तुम्हें अभी नहीं। बहुत ही मजे का, बहुत ही टू गुड यमी, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपकी तारीफ होगी। इसलिए आप उठें, जाएं, बनाएं, खाएं, दूसरों को खिलाएं, घर वालों को एंजॉय करवाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।